हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में हम सीख रहे हैं बॉटनी। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं वीडियो बॉटनी की, और बॉटनी की इस वीडियो में हम दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लगाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है माइटोसिस तथा म्यूसिस में अंतर। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, और बराबर में सब्सक्राइब बटन भी है उसको भी क्लिक कर ले। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, बॉटनी की है ये वीडियो, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन। तो दोस्तों, आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, देखिए ये चैनल का नाम है बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल, ठीक है। ये देखिए पूरा दे रखा है। अब नीचे देखिए यहाँ आता होगा दोस्तों सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए, बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस करिए, ठीक। दोस्तों, बॉटनी की सारी वीडियो मैंने यूपी बोर्ड फर्स्ट ईयर एजी की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट पे आपको जाना है और वहां से आप बॉटनी की सारी वीडियो को अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, बिना कुछ देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो अगर आपको पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ये क्वेश्चन है, एक सेकेंड रुकिए। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दे रखा है आपका समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर, ठीक है। तो दोस्तों, सिंपल है ये, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम सीखेंगे, तो प्लीज वीडियो को आप लास्ट तक देखिए तभी आपकी समझ में आएगा। चलिए देखिए, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट दे रखा है इसने। एक सेकंड कलर लेता हूँ, एक सेकंड रुकिए आप। एक मिनट रुकिए। चलिए, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट, कोई बात नहीं, कलर सेट नहीं हो पा रहा अभी। देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है ये समसूत्री विभाजन का, और ये कॉलम दे रखा है अर्धसूत्री विभाजन का। तो यहाँ समझिए आप समसूत्री विभाजन। तो देखिए, समसूत्री विभाजन में फर्स्ट पॉइंट है आपका कि जो समसूत्री विभाजन होता है वो होता है कायिक कोशिकाओं में। कौन सी कोशिकाओं में? कायिक कोशिकाओं में। दोस्तों, पहला अंतर आपको ध्यान रखना है, जो समसूत्री विभाजन होता है वो होता है कायिक कोशिकाओं में। दोस्तों, कॉपी और कलम को लेकर बैठिए, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट्स बना लीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार 2020 में आने वाला क्वेश्चन है। तो आपको आपको देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया कि समसूत्री विभाजन है वो कायिक कोशिकाओं में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन है ये अर्धसूत्री विभाजन जननिक क्रियाओं में होता है या जननिक कोशिकाओं में होता है। थोड़ा जूम करता हूँ, एक सेकंड रुकिए, ये जूम करने में बहुत बड़ा हो रहा है। चलिए दूसरा पॉइंट समझिए आप। देखिए दूसरा पॉइंट दे रखा है इसमें कि इसमें कोशिका विभाजन एक बार में पूर्ण हो जाता है और इसमें कोशिका विभाजन दो बार में पूर्ण होता है। तो दोस्तों, ये देखिए समसूत्री विभाजन का है कालम, क्योंकि समसूत्री विभाजन में जो कोशिका विभाजन है वो एक ही बार में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, और अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन दो बार में पूर्ण होता है। तो दोस्तों, पहला जो अंतर था वो ये था, देखिए जो समसूत्री विभाजन है वो कायिक कोशिकाओं में कंप्लीट होता है या कायिक कोशिकाओं में होता है, और अर्धसूत्री विभाजन है ये जननिक कोशिकाओं में होता है। दूसरा पॉइंट देखिए इसमें क्या दे रखा था, इसमें कोशिका विभाजन एक बार में पूर्ण हो जाता है और इसमें देखिए कोशिका विभाजन दो बार में पूर्ण हो जाता है, किसमें? अर्धसूत्री विभाजन में। तीसरा पॉइंट देखिए, समसूत्री विभाजन में इस विभाजन में कम समय लगता है, क्योंकि समसूत्री विभाजन है वो कम समय में पूर्ण हो जाता है ये पूरा प्रोसेस, और अर्धसूत्री विभाजन इस विभाजन में अधिक समय लगता है। तो तीन पॉइंट आपके कंप्लीट हुए। देखिए चौथा पॉइंट दे रखा है कि समसूत्री विभाजन
में एक जनक कोशिका से दो संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है। आपने पढ़ा होगा, तो देखिए एक जनक जनन कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण ही होता है, ये आपने पढ़ रखा होगा। और इसमें एक जनन कोशिका से चार संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितना? चार संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट समझिए आप। अगला पॉइंट देखिए हमारा समसूत्री विभाजन में कि प्रोफेज स्टेज अपेक्षाकृत छोटी होती है। जो इसकी प्रोफेज स्टेज है वो छोटी होती है, और जबकि अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज स्टेज लंबी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है, छठा पॉइंट। प्रोफेज एक स्टेप में संपन्न होती है, एक स्टेप में संपन्न होती है, जबकि जो प्रोफेज है वो फाइव सब स्टेज में संपन्न होती है। यानी अगर हम इसे देखें, डीपली देखें, तो देखिए समसूत्री विभाजन में कह रहा है कि ये प्रोफेज स्टेज है वो एक ही बार में कंप्लीट हो जाती है, और जो अर्धसूत्री विभाजन में है प्रोफेज वो फाइव सब स्टेज में कंप्लीट होती है, क्योंकि प्रोफेज की पांच सब यूनिट होती है, पांच सब स्टेज होती है। कौन कौन सी है देखिए, इसे भी समझ लीजिए। प्रोफेज की कौन कौन सी है पांच, देखिए फर्स्ट है लिप्टोटीन, सेकंड है जायगोटीन, और थर्ड है पैचिटीन, फोर्थ है डिप्लोटीन, और फाइव है डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। तो दोस्तों छह अंतर हमने पढ़ लिए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अपने नोट्सों में लिख लीजिए। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम क्या है हमारा, अर्धसूत्री विभाजन तथा समसूत्री विभाजन में अंतर। तो अर्धसूत्री विभाजन में पहला देखिए अंतर था कि समसूत्री विभाजन कायक कोशिकाओं में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन है वो जननिक कोशिकाओं में होता है या जनन कोशिकाओं में होता है, ये कह सकते हो। दूसरा पॉइंट था कि समसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन एक बार में पूर्ण हो जाता है, जबकि अर्धसूत्री में कोशिका विभाजन दो बार में पूर्ण हो जाता है। तीसरा पॉइंट था कि इस विभाजन में कम समय लगता है, कौन से में, समसूत्री में, समसूत्री विभाजन में कम समय लगता है, जबकि देखिए अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है, क्योंकि लंबा प्रोसेस है इसलिए अधिक समय लगता है। चौथा पॉइंट, एक जनक कोशिका से दो संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक जनन कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो एक जनन कोशिका से चार संतत कोशिकाओं का या चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला पॉइंट देखिए, जो समसूत्री विभाजन में प्रोफेज स्टेज होती है वो अपेक्षाकृत छोटी होती है, जबकि अर्धसूत्री में प्रोफेज स्टेज लंबी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कौन सा है, अगला पॉइंट है हमारा वो है प्रोफेज एक स्टेज या एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, संपन्न हो जाती है, और जो आपकी अर्धसूत्री विभाजन है उसमें प्रोफेज फाइव सब स्टेज में संपन्न होती है। फाइव सब स्टेज या सब यूनिट कौन कौन सी है, देखिए लिप्टोटीन है पहली, दूसरी जायगोटीन, और तीसरी दे रखी है पैचिटीन, चौथी डिप्लोटीन, और पांचवी डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो दोस्तों ये था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए इस जो ये चैप्टर है ना, माइटोसिस तथा म्यूसिस वाला, समसूत्री तथा असूत्री विभाजन में, तो इसमें समझ लीजिए क्वेश्चन 100% आना है। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, क्वेश्चन आपसे इसमें ये पूछ सकता है कि आप समसूत्री विभाजन को समझाइए। अगर वो समसूत्री विभाजन को नहीं पूछता है तो फिर पूछेगा कि आप अर्धसूत्री विभाजन को समझाइए। तो दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन को डिटेल से समझाना पड़ेगा। अगर यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बना, फिर इसमें से ये क्वेश्चन बनेगा कि समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर बताइए। तो दोस्तों जो अंतर है ये ना, ये चार अंक का क्वेश्चन है। ठीक है, बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।